देश ने आज़ादी के बाद वर्ष 1950 में अपना संविधान अपनाया और जिस तरह की व्यवस्था थी हमारे देश में, जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई। इसके साथ ही लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो 10 साल के लिए दिया गया था। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के चलते आज 75 साल के बाद भी इसे समाप्त नहीं किया गया है, जिस कारण अब हर वर्ग इसका फायदा उठाना चाहता है। उसी के तहत अब मराठा आरक्षण ने भी जोर पकड़ लिया है और अब यह आरक्षण की मांग हिंसा का रूप ले लिया है। मराठा आंदोलन कुछ जगहों पर हिंसक हो गया है। बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घर और कार्यालयों में आग लगा दी है। इसके साथ ही नगर परिषद की इमारत को भी निशाना बनाया गया है। हिंसा की अधिकतर घटनाएं बीड जिले में हुई है, जिसके बाद बीड में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और बीड में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, क्योंकि बीड में NCP कार्यालय में आग लगा दी है और वहीं 2 NCP विधायकों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन धारा 80 में कर्फ्यू लगा दिया है और कर्फ्यू के दौरान 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने से रोक लगा दी है। वहीं धारा 80 के जिला अधिकारी सचिन ओम बासी ने देर रात को आदेश जारी करते हुए कहा कि CRPC की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। यह आदेश स्कूल, कॉलेजों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। हालांकि दवाई और दूध बेचने वाली दुकानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक बस सेवा, अस्पताल और मीडिया को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले की उमेरगा तहसील में जिस तरह से कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में आग लगाने की घटना घटी है, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए एहतियातन के तौर पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।